वेलकम बैक टू माई चैनल असलकुम मेरे प्यारे प्यारे खूबसूरत से स्वीट से सब्सक्राइबर्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप ठीक होंगे फ्रेंड्स आज मैं आपको 9 से 10 साल की बच्ची के लिए एक ए लाइन शर्ट डिज़ाइनिंग वाली बनाना सिखा रही हूँ दिस इज़ वेरी ईजी शर्ट और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है लीलन का कपड़ा है 1.5 मीटर फैब्रिक आपको चाहिए होगी डबल फोल्ड करके मैंने रखा हुआ है लेंथ और विर्थ बता देती हूँ अगर आप नौ से दस साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आपको उसके लिए कितनी कितनी मेजरमेंट चाहिए होगी अगर लंबाई देखी जाए तो सिक्सटी इंचेस थी एक स्क्वायर मैंने काट लिया है कपड़े का और अब आप इसकी लेंथ कर लीजिएगा एक साइड से सिक्सटी इंचेस रख दीजिएगा रख दीजिएगा इसको फिर मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और फोल्ड करने के बाद मैं आपको इसकी विर्थ बताती हूँ तकरीबन तकरीबन इसकी विर्थ आ रही है हमारे पास थर्टी फाइव ठीक है ये आपकी थर्टी फाइव वेट हो जाती है एंड लेंथ इज़ सिक्सटी इंचिज़ दिस इज़ अ लीलन फैब्रिक एंड दिस फ्रॉक इज और दिस कुर्ती इज़ फॉर नाइन टू टेन ईयर्स ओल्ड गर्ल आप जो बड़े हैं वो भी इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं शर्ट बना सकते हैं टॉप बना सकते हैं ठीक है इट्स एक्चुअली अ टॉप फॉर द जीन्स आप बच्चे के जो कपड़े होते हैं वो सबसे अच्छी मेजरमेंट इंची टेप होती है आपकी शर्ट ले लें उसको उसके ऊपर रख के आपने आ, सारी जितनी भी मेजरमेंट है वो आपने आ, टेलर चौक मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ईज़िली आपको मिल जाएगा मार्केट से जिस तरह मैं लाइंस लगा रही हूँ ये प्रोफेशनल वे होती है कि आप किस तरह से इसकी मेजरमेंट करते हैं ये नहीं कि एग्जैक्टली exactly आपको कॉपी पेस्ट करना होता है जस्ट हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना कितना हमें चाहिए होगा शर्ट हो आपके पास तो आप उसकी ले सकते हैं और अगर वो आपके पास नहीं है जिसके लिए आप बना रहे हैं तो आप उससे उसके शोल्डर्स और उनकी मेजरमेंट लेके और बना सकते हैं फ्रेंड्स ये ए लाइन है अगर तो सीधी शर्ट बनाना चाहते हैं तो सीधी ले जाएं लेकिन क्योंकि ये साइडों से बंद होगी तो इसीलिए मैं इसको ए लाइन शर्ट की तरह बनाऊंगी ठीक है इट्स एक्चुअली टॉप ए लाइन शर्ट टॉप हो जाएगा ये ये करने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है एक आप गले का आ, मेजर करते हैं एक आप स्लीव्स का करते हैं और नीचे से भी कटिंग हो जाती है फिर इसको बड़े नीट तरीके से हमें कट करना पड़ता है अच्छा जी इस तरह से मैं इसको कट कर लेती हूँ ठीक है जरा सा गला हम काटते हैं और गले को हम बाद में फाइन लुक देते हैं गला इसलिए थोड़ा सा छोटा कटा जाता है जस्ट हमने एक लुक देनी होती फिर तुरपाई करना भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगी आपने किस तरह से ये बनानी है अब मैं इसके स्लीव्स काट लेती हूँ ठीक है ये आपने कमीज़ काट ली स्लीव्स हम अलग से कपड़े से काटेंगे जितनी आपकी कटिंग नीट होती है उतनी आपकी शर्ट जो है वो अच्छी बनती है इस तरह मैं नीचे से इसको बहुत ही फाइन सी एक लुक देती हूँ अब आप नीचे से भी एक इसको हम एक लुक दे देंगे फाइन सी ये फ्रेंड्स आपका जो कटिंग है वो हो गई है और अब मैं आपको बताती हूँ अबाउट स्लीव्स ठीक है स्लीव्स मैं थ्री क्वार्टर बना रही हूँ फुल स्लीव्स नहीं है ये तकरीबन फिफ्टीन इंचेस मैंने इसकी लेंथ रखी हुई है और आप इसको जैसा भी डिज़ाइन देना चाहते हैं दे सकते हैं मैं इसको सिंपल सीधे सीधे बाजू बनाऊँगी क्योंकि विंटर्स में कोशिश करें कि ज़्यादा बाजू खुले ना हो तंग हो, क्योंकि ऊपर हमें स्वेटर वग़ैरह पहननी होती है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बाज़ू बिल्कुल स्ट्रेट हो इस तरह से फ्रेंड्स आपने इसको मेजर करने के बाद कट कर लेना है यहाँ से मैं इसकी सिलाई करूँगी तो इसको उसके साथ अटैच कर लूँगी सेम वही साइज़ होगा यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा गुलाई में काट लेते हैं फ्रेंड्स लेंथ uh, में ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने फिफ्टीन इंचेस रखी है आप चाहे तो आप और लंबी भी रख सकते हैं और आप चाहे तो उसे स्लीवलेस भी बना सकते हैं क्योंकि हाई नेक वगैरह अगर आपने नीचे पहनानी है बच्चे को तो वो भी आप कर सकते हैं अच्छा अब ये जो मैंने ऊपर डिज़ाइन करना है ऑलरेडी आप थम में देख चुके हैं मैंने लीव्स बनाने हैं बड़े बड़े ठीक है ये कपड़ा ईजीली कपड़े में जो वन मीटर आ फैब्रिक लेंगे उसमें आ जाएगा मैंने एक इस तरह से एक बॉक्स आपने काट लेना है एट इंचज़ इसकी वर्थ है एट इंचज़ेज़ आपने रखनी है ठीक है ये एट हो जाएगी और ये हो जाएगी फाइव बड़े बड़े लीव्स हैं फाइव एंड एट ये आपकी इसकी मेजरमेंट है और आपने ये सिक्सटीन कार्ट लेने हैं यू नीड सिक्सटीन लीव्स फॉर वन साइड एंड सिक्सटीन सॉरी सिक्स लीव्स फॉर वन साइड एंड सिक्स लीव्स फॉर द अदर शोल्डर सो एज़ दोनों शोल्डर्स पे लगेगी तो छः आपने एक शोल्डर के लिए लेने हैं और छः आपने दूसरे शोल्डर के लिए लेने हैं तो तकरीबन बारह चौदह आप बना लें इसको अब आपने इसको ऐसे लीव की शक्ल दे दें अगर आपके पास लीव की शक्ल नहीं है तो सिंपल आप कंप्यूटर पे ड्राइंग लीव लिखें और जब आपके पास पिक्चर आ जाएगी ड्रा करने वाली तो आप उसे कंप्यूटर पेज पे ड्रा करके उसकी कटिंग करके इसको ऊपर रख के और आप इस तरह बड़ा प्यारा सा नीट सा एक लीव बना सकते हैं अच्छा अब क्योंकि सिक्स लीव्स चाहिए तो दो दो साइड्स होंगी ठीक है तो पत्ते जो हैं आपके ज़्यादा होंगे ये मैंने डबल डबल काटे हैं बारह एक साइड पे आ जाएंगे और बारह दूसरी साइड पे आ जाएंगे इनको आपने यहाँ से स्टिच कर लेना है बंद कर लेना है ठीक है इस तरह आपने इनको साइडों से स्टिच करके फिर इनको सीधा कर लेना है इसी तरह आपने और भी सारे काट लेने हैं ठीक है थीके? डबल पत्ता काटना है फ्रेंड स्टिचिंगला मैंने गला काटा है गोल और फिर मैंने कपड़े के साथ उसको चिपकाया है इसी रख के आपने उसको बैक साइड पे चिपका लेना है और चिपकाने के बाद आपने गला इसका रेडी कर लेना है ठीक है ये मैंने इस तरह से इस तरह से चिपका दिया है प्रेस किया है इसको बुक्रम को प्रेस किया है मैंने कपड़े के ऊपर और इस तरह गला मैंने काट लिया है अब जो लीव्स हैं फ्रेंड्स दो दो पत्ते थे आपके पास देर आर टू पीसेज ऑफ लीव सो आपने करना क्या है साइडों से सी के मैंने इनको सीधा कर लिया ठीक है आई ऑलरेडी स्टिच द लीव्स एंड देन फोल्ड देन टर्न इट टू गिव इट अ गुड लुक आपने एक चुनट देखे जस्ट मेक वन रफल एंड स्टिच एक रफल देनी है एक चुनट देनी है बीच में और इस तरह आपने लीव्स देना ये देखें इस तरह से थोड़ा सा दरमियान से पकड़ के ऐसे करना है और आपने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है इस तरह की शेप होनी चाहिए ठीक है ये इस तरह आपने सारे जो लीव्स हैं वो रेडी कर लेने आई ऑलरेडी स्टिच द लीव्स फ्रॉम ऑल साइड्स एंड देन टर्न इट टू गिव इट अ नीट लुक दे ऑल आर रेडी अब फ्रेंड्स एक साइड पे तो मैंने आपको ये देखे मैंने कुछ अटैच किए हुए अब मैं आपको दूसरी साइड पे बताती हूँ कि आपने कैसे करने हैं अच्छा अब आपने करना ये है कि आप एक लीव लेंगे यहाँ रखना है आपने सबसे पहला ठीक है और इसको पिन अप कर देना है क्योंकि फिर मैं इसको स्टिचिंग करूंगी आगे मैं इसको स्टिच करूँगी एक आपने यहाँ पे रख दिया अब आप दूसरा ले लें ये आपने कैसे रखना है इसको हम इधर रखेंगे तो इसको हमने जो पहला लीव लगाया है उसके साइड पे बिल्कुल आपने करके रख देना है पहले के नीचे आपने रखना है ठीक है पुट दिस बिहाइंड द फर्स्ट लीव लाइक दिस इसी तरह ये इस साइड पे आ जाएगा लेफ़्ट एंड राइट साइड अंडर द फर्स्ट लीव पहले लीव के एक साइड लेफ़्ट पे आएगा एक राइट्स पे आएगा उसके बाद ये देखें ऐसे आ जाएगी शेप बकरी के कान लग रहे हैं वैसे बिल्कुल अच्छा अब आपने यहाँ रखा ठीक है मतलब हर भी लीव जो है ना छः लीव सारे विजिबल होंगे एक दूसरे एक दूसरे के साथ साथ यहाँ पे और इस तरह से आपने इसको यहाँ रख दिया ठीक है ये आपके रेडी हो गए हैं अब आपने करना ये है कि आपने करनी है स्टिच आप चाहे तो डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं चाहे तो आप ये दामन पे लगा सकते हैं चाहे तो आप गले पे सीधे लगा सकते हैं जैसे आप डिज़ाइन करना चाहते हैं मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो मैंने इसको थोड़ा ये लुक दिया टॉप है तो इसका जो गला है वो थोड़ा सा प्यारा होना चाहिए आप चाहे तो इसको एक बंच की साइड पर भी लगा सकते हैं बंच की तरह लीव्स बना के तो अब ये जितने आपने पिनस लगा ली हैं ना अब इसी के ऊपर हम इसको हल्की हल्की स्टिचिंग दे देंगे सेम इस साइड पे भी छः लगा लिए छः उस साइड पे लगा लिए मैंने अब आपने इनको स्टिच करना है फ्रेंड सिंपल आपने लीव का जो ऊपर हिस्सा है ना उधर स्टिच किया पिन हटाएं लीव के ऊपर थोड़ी सी स्टिचिंग करें ये ऑलरेडी छुप जाएंगे सब के ऊपर स्टिचिंग अब नीचे वाले के तो स्टिचिंग छुप गई ऊपर वाली जो है जब हम शोल्डर बैक साइड पे जोड़ेंगे तो ऊपर वाली की स्टिचिंग उसके अंदर आ जाएगी तो वो नजर नहीं आएगी ठीक है ऐसा लगेगा कि लीव जो है वो शोल्डर्स के दरमियान से निकला हुआ है यहां रख के आपने दोनों के शोल्डर्स को पहले जोड़ लेना है सबसे पहले हम शोल्डर जोड़ते हैं शोल्डर जोड़ने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है स्लीव्स लगाते हैं स्लीव्स अटैच करने के बाद हम स्लीव से सिलाई सिलाई शुरू करके बिल्कुल एंड तक जाते हैं और इस तरह हमारी जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो जाती है जिनको बिल्कुल नहीं आती तो वो इजीली इससे समझ जाएंगे कि हमने क्या करना है गला मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ ऑलरेडी हम गले की भी वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हमने तुरपाई वगैरह करना आपको सिखाई है डबल सिलाई मैं इसलिए लगाती होती हूँ हमेशा कमीज़ पर क्योंकि वो फिर फटती वगैरह नहीं है ठीक है धागा कच्चा होता है तो वो बहुत जल्दी भट जाती है कमीज़ तो आप हमेशा डबल सिलाई लगाया करें अब मैं इसके साथ स्लीव्स अटैच कर लूँगी स्लीव्स की तो आपको ऑलरेडी पता है कि फ़िफ्टीन लेंथ मैंने रखी है न फ्रेंड्स अब आपने ये करना है देखे स्लीवस मैंने दोनों साइडों पे अटैच कर लिए हैं अब आपने स्लीव से शुरू करके इसको नीचे तक लेके जाना है और पूरी जो फ्रॉक है उसको ए लाइन शर्ट की तरह आपने स्टिच कर देना है डबल सिलाई लगाइए लगाइएगा ताकि कमीज जो है वो मजबूत बने ठीक है फ्रेंड्स दोनों साइडों से मैंने स्टिच कर लिया है ठीक है अब ये जो है गला मैं आपको बता देती हूँ आगे से तो गला मैंने स्टिच करके उसकी तुरपाई कर ली थी उसको मैंने हल्का हल्का बंद कर लिया था अब जो बैक साइड है उस पर मैंने एक अलग से पीस लिया है और पीस में बैक साइड पर अटैच करके उसको मैं एक फ़ाइन लुक दे दूँगी उसकी मैं पाइपिंग कर दूँगी ठीक है पहले हम कपड़ा लेके उसको अटैच करते होते हैं ठीक है अटैच करने के बाद उसको फोल्ड करके हम उसे स्टिच कर लेते हैं स्टिच आपने ऐसे करना है कि सुई धागे से तुरपाई कर लेनी है तो इस तरह आपका जो गला है वो रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आप देख सकते हैं गला हमारा रेडी हो चुका है आपकी शर्ट रेडी हो चुकी है एक्स्ट्रा धागे वगैरह साइडों से काट लें बहुत ही प्यारी लग रही है ये इसमें ये है कि लीव्स थोड़े से जो है बैठे हुए हैं आप जब इसको पहनेंगे तो वो बहुत ही प्यारी लुक देंगे ठीक है आप चाहे तो बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं लीव के अंदर अब ये जो बिल्कुल एंड होता है ना तुरपाई वहाँ पर कर लीजिए वहाँ पर पाइपिंग कर लें आप और ये आपकी जो फ्रॉक है रेडी हो चुकी है इसको मैंने अभी प्रेस नहीं किया इसको मैंने फाइन लुक नहीं दी थी, ठीक है ये पहन के बहुत प्यारी लग रही थी तो अभी मैं इसको जो है देखिए मैंने बाज़ू के एंड पे भी इसकी सारी पाइपिंग कर दी थी वहाँ पे भी आप सिंपल सिलाई कर लें ये आपकी फ्रेंड रेडी हो चुकी है इसके बाद इसको अच्छे से आपने प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है जितने लीव्स लगाना चाहते हैं इट्स ऑल अप टू यू थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल